अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यूएसए का लाइव नंबर लेके दिखाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एप्लीकेशन चाहिए वो भी मैं आपको चेकआउट करवाऊँगा, फुल डिटेल में बताऊँगा आज की इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना जो एयरप्लेन मोड है उसको ऑन करना है और किसी भी वाईफाई से आपने कनेक्ट हो जाना है। फिर आपको ये वाला वीपीएन ऑन करना है। ऑलरेडी मैंने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है यूएसए के सर्वर के साथ। आप ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है अमेरिका। अब यहाँ से आपने बैक आना है और आपको जिन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी सारी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वीपीएन चेकआउट करवाता हूँ। ये रहा वीपीएन, इसको आपको कनेक्ट कर लेना है अमेरिका के साथ। उसके बाद आपको चाहिए एक एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपल आपने इसको करना है ओपन। जो ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपके पास गेट स्टार्टेड पर जो क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट वाला ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा तो डोंट वरी, आपने क्या करना है, मेरी और वीडियोस हैं उनको वॉच कर लेना है। उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनको वॉच करेंगे तो आपके पास 5 यूएसए के नंबर आपको शो करवा दिए जाएंगे। इनमें से आपने कोई एक रैंडमली नंबर पिक करना है। बट नंबर पिक करने के बाद आपने जाना है व्हाट्सएप अकाउंट में और जाके उसको चेकआउट करना है कि जो मैं नंबर ले रहा हूँ वो व्हाट्सएप के लिए वैलिड है या कि नहीं, या उस पर कोई ऑलरेडी व्हाट्सएप का अकाउंट रजिस्टर तो नहीं है। नंबर मैंने एक पिक किया है, नंबर ओके है। ओके पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कॉल मी वाला ऑप्शन इनेबल है। नंबर मैं दोबारा वेरीफाई कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, कॉल मी पे आपने लाजमी क्लिक करना है। जब आप कॉल मी पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं वो बता रहे हैं कि आपके पास 1 मिनट का टाइम आया है। आप देख सकते हैं 1 मिनट, जिस नंबर पर आपको 1 मिनट का टाइम लगे वही नंबर आपने पिक करना है। जिस नंबर पर आपको 1 आवर का इशू आ जाए कॉल मी पे भी, वो नंबर आपने कभी पिक नहीं करना क्योंकि उसका आपको कोड ही रिसीव नहीं हो पाएगा। नंबर तो मैंने यहाँ पे ले लिया था, बट यहाँ पे अगेन मैं आपको दिखाऊं जो नंबर मैंने वहाँ पे लगाया है वो नंबर यहाँ से बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है चेंज का, यहाँ पे आप यूएसए का कोई वैलिड एरिया कोड दे के आप एरिया कोड चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई रैंडमली यही नंबर ले लेता हूँ, कन्फर्म दिस नंबर पर क्लिक करके ये नंबर को पिकआउट कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई सा भी आप जीमेल दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ भी, gmail.com यानी कि वट एवर, आप यहाँ पे कोई सा भी मेल दे सकते हो। नीचे आपने पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड आप कोई सा भी क्रिएट कर सकते हो जो आपका दिल करे, और एज कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड लगा के आपने इसको कर लेना है रजिस्टर। जो ही आप रजिस्टर करेंगे सम टाइम इस एप्लीकेशन का जो रिकैप्चा होता है काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। ये आपके वीपीएन और इंटरनेट स्पीड पर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा रिकैप्चा देखने में मिलेगा। यहाँ पर देखें, मैं रिकैप्चा फिलअप कर रहा हूँ और ये फिर न्यू रिकैप्चा आ गया। ये काफ़ी सारे रिकैप्चे मेरे पास बार बार आ रहे थे तो इसीलिए करके मैंने वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दिया था। फाइनली यहाँ पे मैं एक और एरिया को ट्राई करूँगा, हो सकता है कि मुझे इसमें कोई वैलिड नंबर मिल जाए। एक नंबर मैं यहाँ पे पिकआउट कर रहा हूँ, सेकेंड वाला, इसको जाऊँगा व्हाट्सएप पर लगा के चेकआउट करूँगा। अगर मुझे ये वाला नंबर मिल गया तो 100% इस पर आपको व्हाट्सएप का मैं अकाउंट वेरीफाई करके दिखाऊँगा। ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ, सेम मेरी ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तो ही आपका अकाउंट बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं कॉल मी पे क्लिक कर रहा हूँ, नंबर का टाइमिंग नॉर्मल चला है। इसको सिंपल कंफर्म दिस नंबर पे क्लिक करना है आपने। कंफर्म दिस नंबर पे जो ही क्लिक करेंगे कोई सा भी आपने यहाँ पे जीमेल अकाउंट दे देना है, नीचे पासवर्ड देना है, जिस तरीके से करके आपने पहले साइन अप करा था सेम वही स्ट्रैटेजी लगा के आपने साइन अप करना है। सेकेंड बार में जो रिकैप्चा होता है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, आपको मैं सामने लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर रिकैप्चा फिलअप करके दिखाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिकैप्चा थोड़ा टफ हो गया था, अब मेरा रिकैप्चा फिलअप हो चुका है। आपने क्या करना है, बस इंतज़ार करना है, रिकैप्चा भी फिलअप हो जाता है। अब आपने टैक्स मी एप्लीकेशन पे साइन अप तो कर लिया, बट यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा इंटरफेस आता है तो ही आपको कोड मिलेगा। अगर आपको इनएक्टिव नंबर मिलता है तो आपको कोड नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, इसीलिए करके वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देते हैं। फाइनली दोस्तों कॉल में पे क्लिक करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने के बाद। कॉल मी पे जो ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे कॉल आ जाएगी। अगर आपके पास कॉल या वॉइस मेल नहीं आता तो आपने टेक्स्ट मी एप्लीकेशन के जितनी परमिशंस हैं इसकी सेटिंग में जाके सारी परमिशन को अलाउ करना है। कुछ देर बाद आपके पास यहाँ पे वॉइस मेल आ जाएगी। एज यू कैन सी मेरे पास वॉइस मेल आई है। वॉइस मेल को आपने यहाँ पर सुनना है कि वॉइस मेल में आपको आपकी व्हाट्सएप वेरीफिकेशन के लिए क्या OTP बताया जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर OTP बताया गया था 744 और आगे था 1, मैं कोड भूल गया क्या था। चलें खैर, कोड जो है आपने सुनना है, कोड को सुन के आपने यहाँ पे लगा लेना है और आपने अपना व्हाट्सएप का अकाउंट वेरीफाई कर लेना है यूएसए के नंबर से।
दोस्तों अगर आपको अपना यूएसए का नंबर वेरीफाई करने में किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। तो अगर आपको पेड नंबर चाहिए फॉर लाइफ टाइम के लिए वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यूएसए का नंबर ओपन हो चुका है। मैं आपको फाइनली इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगा। सेम वही नंबर है जो मैंने टेक्स्ट मी एप्लीकेशन से लिया। आप भी इस तरीके से करके ले सकते हो नंबर। जो मैंने ट्रिक बताया ट्रिक को फॉलो कीजिएगा और जिन मेरे भाइयों को पेड सर्विस चाहिए वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, उनको नंबर मिल जाएगा दोस्तों।